इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान प्रायोगिक के प्रमुख उद्देश्यों को। इस वीडियो को पूरा तक देखिए और अपना प्रायोगिक फाइल अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयोग क्रमांक पहला, जिसका उद्देश्य है पत्तियों की ऊपरी एवं निचली सतहों में रंध्रों के वितरण का अध्ययन कीजिए। यदि ये उद्देश्य आपको मिला हुआ है तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, जिसका आवश्यक सामग्री, फिर है विधि, और विधि के बाद है इस चित्र को भी फाइल में बनाना है, उसके बाद इसे ही बनाना है, और फिर अवलोकन तालिका में इसको भरना है, प्रायोगिक किए हैं उसको इसमें भरना है। उसके बाद है निष्कर्ष, फिर है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक दूसरा का उद्देश्य है पत्तियों की ऊपरी एवं निचली सतहों पर वाष्पोत्सर्जन की दर का तुलनात्मक अध्ययन। यदि ये उद्देश्य आपको मिला हुआ है तो इस तरह से लिख लीजिए, और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके हेल्प के लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। यदि इस वीडियो में जो जो उद्देश्य दिया गया है उसमें से भी अलग दिया गया है तो एक और वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके उनमें से उद्देश्य को मिलान करके लिख सकते हैं। इस तरह से इसका निष्कर्ष और सावधानियां हैं। अगला उद्देश्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का परीक्षण तथा उपयुक्त पौधे एवं जंतु पदार्थों में उनका जांच का अध्ययन करना, जिसका आवश्यक सामग्री सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, जिसमें है परीक्षण, अवलोकन और फिर निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, फिर है प्रोटीन का परीक्षण, इसका भी परीक्षण, अवलोकन और निष्कर्ष दिया हुआ है। प्रोटीन के बाद तीसरा है वसा का परीक्षण, आपको जो जो मिला है उसी को लिखना है। उद्देश्य चौथा का उद्देश्य है श्वसन की दर का पुष्प कलियों, ऊतक और बीज अंकुरण में अध्ययन करना, आवश्यक सामग्री ये विधि, ये डायग्राम, इसे भी अच्छे से बनाना है, फिर है परिणाम, निष्कर्ष, और लास्ट में लिखना रहता है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक पांचवा का उद्देश्य है मूत्र में यूरिया की उपस्थिति का परीक्षण करना, विधि, डायग्राम, अवलोकन, निष्कर्ष, और लास्ट में है सावधानियां। प्रयोग क्रमांक पांच, जिसका उद्देश्य है मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का जांच करना, आवश्यक सामग्री विधि व अवलोकन, डायग्राम, क्रमांक छठवां, जिसका उद्देश्य है मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति की जांच करना, जिसका आवश्यक सामग्री विधि और अवलोकन, फिर है इसका डायग्राम, इस तरह से इसका डायग्राम है, उसके बाद है निष्कर्ष, और लास्ट में है सावधानियां। अगला प्रयोग क्रमांक का उद्देश्य है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, प्रयोग करने की विधि तथा रख रखाव के तरीकों का अध्ययन करना, जिसका आवश्यक सामग्री विधि, फिर है अवलोकन। यदि यह उद्देश्य मिला हुआ है तो इस तरह से देखकर अपना फाइल तैयार कर सकते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र है। अगला प्रयोग क्रमांक, जिसका उद्देश्य है पादप स्पेसिमेन का अध्ययन एवं पहचान कारणों सहित, जिसमें है बैक्टीरिया, ऑसिलेटोरिया, स्पायरोगायरा, राइजोपस, मशरूम, ईस्ट, लिवर वाल्टा, मॉस, फर्ना, पाइन, एक बीजपत्री, एक द्विबीजपत्री और एक लाइकेन, इतना का अध्ययन और पहचान करना है। पहला बैक्टीरिया, पहचान एवं वर्गीकरण, जगह, संगठन और लक्षण, इस तरह से है। इस साइनोबैक्टीरिया का चित्र, इसे भी छापना है।
दूसरा है ऑसिलेटोरिया, जिसका पहचान, वर्गीकरण, जगह, समूह, गण इस तरह से है। ये चित्र है। तीसरा है स्पायरोगायरा, जो कि इस तरह से है। चौथा है राइजोपस, जिसका पूरा वर्गीकरण इस तरह से है, लक्षण और ये चित्र। छठवां है छतरक, जिसे कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, या आइगेरिकस मशरूम, जिसका पहचान, वर्गीकरण, जगत, प्रभाग, वर्ग, उपवर्ग और है इस तरह से। इसका चित्र है मशरूम का, गण, कुल, वंश और ये लक्षण। सातवां है इष्ट, जिसका पहचान, वर्गीकरण इस तरह से है। ये इष्ट का चित्र है। उसके बाद है लिवरवर्ट रिक्सिया, जिसका पहचान और ये रहा चित्र, वर्ग, गण उसके बाद ये फर्न का डिटेल्स है और ये पाइनस के पूरा डिटेल है, जो भी मिला है। आप इस वीडियो की सहायता से अपना फाइल तैयार कर लीजिएगा। आगे है एक बीजपत्री पौधे का अध्ययन, जिनमें मक्के का पौधा, यदि मक्के के पौधा का मिला हुआ है तो इस तरह से इसका पूरा डिटेल है। ये है मक्के के पौधा का चित्र। लक्षण, प्ररोह तंत्र, पूरी जानकारी इस तरह से है। आगे है लाइकेन, जिनका पहचान और वर्गीकरण और ये रहा चित्र। अगला प्रयोग क्रमांक, जिसका उद्देश्य है स्पेसिमेन का अध्ययन एवं पहचान, कारणों सहित अमीबा, हाइड्रा, लीवर, फ्लूक, एस्केरिस, लीच, केचुआ, प्रॉन, सिल्कवर्म, मधुमक्खी, घोंघा, तारा मछली, शार्क, रोहू मछली, मेंढक, छिपकली, कबूतर, खरगोश, इनमें से जो जो भी आपको मिला हुआ है देखकर अपना फाइल तैयार कर लीजिए। हाइड्रा, जिसका चित्र इस तरह से है। हिरुडेनेरिया या लीच या जोक, स्थानीय भाषा में कहते हैं जोक, इस तरह से इसका पूरा डिटेल और ये रहा चित्र। आगे केचुआ या फेरिटीमा, जिसका पहचान, वर्गीकरण और पूरी जानकारी इस तरह से है। ये चित्र है। झींगा या पाइलिमोन या प्रॉन, और यहाँ रेशम के कीट, इनमें से जो भी मिला है इस तरह से देखकर तैयार कर सकते हैं। ये झींगा का चित्र और ये है कीट। आगे है मधुमक्खी और यह है घोंघा।
फिर है एप्पल स्नेलिया घोंघा या पाइला, और तारा मछली एस्टिरियस। यदि ये घोंघा मिला हुआ है तो इस तरह से है, आगे यहाँ पर है इस तरह से, और है तारा मछली का डिटेल्स इस तरह से। ये तारा मछली का चित्र है। शार्क या कुत्ता मछली जिसका चित्र इस तरह से है। लक्षण, ये उसका चित्र है। आगे भारतीय मेंढक जिसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, इस तरह से इसका डिटेल है। और यह है टोड या ब्यूफो, ये भी मेंढक का ही प्रजाति है। यदि ये मिला है तो इस तरह से है। फिर है गिरगिट या कैलोटिस, और इसका चित्र है। आगे है कबूतर या कोलंबा, इस तरह से कबूतर या कोलंबा का डिटेल यहाँ है इस तरह से। आगे है शशक का पहचान एवं वर्गीकरण इस तरह से है। ये चित्र है, रैबिट खरगोश भी बोलते हैं।